अभी पूरे देश में, झारखंड में भी और खासकर इस क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में, साइबर अपराधी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और इनकी सक्रियता को देखते हुए हमने यहाँ के साइबर डीएसपी हैं और साथ साथ एक टीम है उनके साथ में, उनको निर्देशित किया था कि जहाँ कोई तरह का संदिग्ध किसी तरह का कोई आदमी रहता हो, या तो आपका मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए कोई ऐसा आदमी पकड़ाता हो, एटीएम हो गया आपका, जो है कि अलग से जो है कि सर्चिंग, संदिग्ध आदमी को सर्च करके किसी तरह का कोई ऐसा कागजात हो, या तो कोई एंड्रॉयड कोई फ़ोन डिवाइस हो, तो उनको जो है कि पूछताछ के लिए लाया जाए। इसी क्रम में दो अपराधी छापामारी के दरमियान पकड़े गए और दोनों अपराधी जो है कि एक अपराधी रामगढ़ थाना का है, दूसरा अपराधी मुफस्सिल थाना दुमका का है। ये दोनों अपराधियों के पास से काफ़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, करीब 2,47,000 कैश बरामद हुई है, 3-5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 एंड्रॉयड, बल्कि सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, और उसके साथ फर्जी एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं। और एटीएम कार्ड्स देखने वाली बात है कि हर एक अलग अलग बैंक्स के हैं, अलग अलग नाम के हैं, और पे आईडी भी उनका अलग से बनाया गया है, साथ साथ एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है। तो हमने देखा कि पिछले दिनों भी दुमका में इसी तरह से एक छापामारी के दरमियान जो है कि पकड़े गए थे दो अपराधी, उसी कड़ी में ये भी दो अपराधी यहाँ पकड़े गए हैं। तो एक है, एक संजय क्या मंडल है, हाँ रोहित मंडल है, और दूसरा है अशोक भंडारी। तो दोनों यंग लड़के हैं और इस क्राइम में जो है कि टीनेजर्स बहुत आगे आ जा रहे हैं, और हम आह्वान करना चाहेंगे जिसके पेरेंट्स हैं और जितने अभिभावक हैं कि आप हमेशा निरंतर जो है कि जो मोबाइल इनके पास रहता है बच्चों के पास में, उसमें निगरानी रखें, क्या काम कर रहे हैं, गलत संगति में नहीं पड़ने दें। तो इसी क्रम में जो हमने इनका गिरफ्तारी किया, इसमें पाया गया कि इनका अलग अलग ऐप्स है, गूगल पे है, फिर भीम ऐप है, इनको डाउनलोड किया गया है, और जो कस्टमर हैं और उनको जो है कि ठगी उनके साथ की गई है। तो हम लोग आवश्यक जो है कि अलग से जो ईटी एक्ट हो गया और भादवी के अंतर्गत इन पे केस दर्ज की गई है। सर जानकारी।